नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती के उदाहरण लोग आज भी देते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि 67 साल की उम्र में भी वो अपनी खूबसूरती का इतना ध्यान कैसे रखती हैं। हालांकि रेखा आज अपने साथ एक रहस्य लेकर चल रही है, जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक है, और वो राज है रेखा का सिंदूर। आज भी रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है ये किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कंट्रोवर्शियल है, पर्सनल लाइफ की चर्चा भी उनकी उतनी ही होती है। आज इस रिपोर्ट में हम रेखा की जिंदगी से जुड़े उन किस्सों के बारे में आपको बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती हैं रेखा। हर कोई जानना चाहता है रेखा के राज। माया नगरी की माया का रहस्य। रेखा को जीवन में नहीं मिला प्यार। दीवा, क्वीन, सुपरस्टार, खूबसूरती की मिसाल पेश करने वाली रेखा की जब भी बात होती है तो सामने आता है उनका खूबसूरत चेहरा और उनकी आंखें, जिसके मस्ताने हजारों हैं। रेखा की लाइफ हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। कुछ साल पहले लॉन्च हुई यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी को लोगों ने बहुत पढ़ा और बहुत पसंद भी किया। इस किताब में अभिनेत्री रेखा की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र किया गया है। रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें इस किताब में लिखी गई हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के किस्से और उनकी विनोद मेहरा से शादी की खबरों से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और भी राज हैं जो शायद ही कहीं बाहर आए हों। लेकिन यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में न सिर्फ रेखा के फिल्मी करियर बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि रेखा पर शुरुआत से ही नाजायज होने का ठप्पा लग गया था। रेखा की मां पुष्पवल्ली 50 के दशक में तमिल की जानी मानी एक्ट्रेस थी। पुष्पवल्ली का अफेयर उनके समकालीन एक्टर जेमिनी गणेशन के साथ था। पुष्पवल्ली जेमिनी के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्होंने बिना समाज की परवाह किए शादी से पहले ही जेमिनी के बच्चे यानी भानु रेखा को जन्म दिया था। मगर जेमिनी ने कभी भी रेखा को कबूल नहीं किया और ना ही अपना नाम दिया। पहले रेखा अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ती थी, मगर 14 साल की उम्र में जब उनकी मां पुष्पवल्ली का करियर ढलान पर था, तब रेखा को मुंबई में फिल्मों में करियर बनाने के लिए जाना पड़ा। वहां पहुंचकर लोगों के ताने सुनकर रेखा ने तय किया कि वो अब अपने नाम के साथ गणेशन लिखना छोड़ देंगी। रेखा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में कर दी थी। अनजाना सफर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी उम्र महज 15 साल ही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दर्दनाक किस्सा भी इस किताब का हिस्सा है, जिसने रेखा को रोने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल एक रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए रेखा सेट पर पहुंची थी। वहां जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, एक्टर विश्वजीत ने उन्हें होठों पर किस करना शुरू कर दिया, जो कि 5 मिनट तक चला। कैमरा रोल करता रहा, रेखा ने अपनी आंखें बंद की, जिसमें आंसू भरे हुए थे। यूनिट के सदस्य सीन पर सीटियां मार रहे थे। सीन के बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में उन्होंने इस सीन पर आवाज उठाने का फैसला किया, लेकिन अनजान के डर से खामोश हो गईं। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी की बात की जाए तो रेखा को पहला प्यार एक्टर जितेंद्र से हुआ था, लेकिन जितेंद्र उस वक्त कमिटेड थे और रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, आगे चलकर जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी की, जिसके बाद रेखा को दूसरी बार प्यार उनके साथी कलाकार विनोद मेहरा से हुआ। विनोद मेहरा के साथ रेखा ने काफ़ी सारी फिल्में की, लेकिन प्यार परवान तो चढ़ा लेकिन कोई मुकाम हासिल ना कर सका। रेखा एक बार फिर से अकेली हो गई। विनोद मेहरा के साथ शादी का भी जिक्र इस किताब में किया गया है। जब रेखा और विनोद कोलकाता में शादी करने के बाद मुंबई लौटे तो विनोद की मां ने रेखा का स्वागत चप्पल से किया था। दरअसल रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थी। जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तुरंत उनकी सास ने उन्हें धकेल दिया। इतना ही नहीं, कमला गुस्से में इतनी आग बबूला हो गई थी कि उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी निकाल ली थी और घर में घुसने से मना कर दिया था।
लेकिन रेखा जब मुंबई में आई तो वो जया बच्चन उनकी फ्लैटमेट हुआ करती थी। जया को रेखा दीदी कहकर बुलाती थी, लेकिन जया ने अपनी शादी में रेखा को नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें इस बात का आभास था कि रेखा और अमिताभ को लेकर लोगों के मन में शंका है। एक रात की तस्वीर एक मैगजीन में छपी थी, लेकिन रेखा ने कभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला। बॉलीवुड के सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। रेखा की फिल्म सिलसिला को लेकर भी मजेदार किस्सा शेयर किया गया है इस किताब में। यासिर के लेखक सागर सरहदी ने उन्हें रेखा के बारे में खास बात ये बताई थी कि रेखा डायलॉग रटने में उत्साह थी। उन्हें जब रट्टू तोता बोला करते थे, उन्हें किसी भी भाषा का संवाद दे दो, बस रोमन में लिखा हो तो वो जापानीज स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से रट लेती थी। रेखा ने कारोबारी से की थी शादी। साल 1990 में रेखा दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी, मगर शादी के बाद भी रेखा के जीवन में सुख नहीं आया। मुकेश रेखा की फिल्मों में दखल देने लगे। रेखा और मुकेश के बीच अक्सर अनबन होती थी। इससे तंग आकर रेखा मुकेश का दिल्ली वाला घर छोड़कर मुंबई आ गई। मुकेश ने रेखा को मनाने की कोशिश भी की मगर रेखा नहीं मानी। रेखा के जाने के बाद मुकेश डिप्रेशन का शिकार हो गए और हार कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि आइकॉनिक फिल्म उमराव जान के निर्देशक मुजफ्फर अली ने उमराव के लिए रेखा का चयन कैसे किया। मुजफ्फर बताते हैं कि ये सच बात है कि पहली बार में मेरे जहन में रेखा का नाम नहीं था क्योंकि उस दौर में स्मिता पाटिल भी इस तरह के किरदार के लिए परफेक्ट मानी जाती थी। वो काफी जहीन अभिनेत्री थी, फिर शबाना भी इस किरदार को निभाने के लिए सही थी। लेकिन मुझे एक तस्वीर मिली थी और उस तस्वीर में मैंने रेखा की आंखों में वो कैफियत देख ली थी। उनकी आंखों में दोगुने जज्बात और एक अकेलेपन की झलक दिख गई थी, तभी तय कर लिया कि यही होंगी उमराव जान। रेखा को ना तो कभी पिता का प्यार मिला और ना ही वो प्यार मिला जिसको उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया हमेशा उनका दिल और भरोसा ही टूटा। रेखा का यूं तो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ ही रहा था, लेकिन उनके जीवन में कई प्यार आए और चले गए, लेकिन कोई उनका सहारा न बन सका। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।